हाय, इस वीडियो को देखने के बाद, खैर वीडियो को देखने के बाद ही बात करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी इन एन इंटरेस्टिंग वे। फॉर एग्जांपल यहाँ है शी, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट। ओके, सो हियर इज योर फर्स्ट सेंटेंस, द स्टोर ऑफर्स मेनी ऑप्शंस। ओके, इट इज द स्टोर ऑफर्स मेनी ऑप्शंस। सो यहाँ है मेनी। अब इस मेनी वर्ड को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं टू गेट गुड मार्क्स इन वोकैबुलरी? तो मेनी की जगह हम लिख सकते हैं अ प्लेथोरा ऑफ ऑप्शंस। स्टोर बहुत सारे ऑप्शंस प्रोवाइड करता है, स्टोर प्लेथोरा ऑफ ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। सेकंड वर्ड पे चलते हैं, द लॉ नीड सम चेंजेस। लॉ में कुछ चेंजेस की जरूरत है ताकि क्राइम को रिड्यूस किया जा सके। तो अब इसकी जगह हम क्या सेंटेंस यूज कर सकते हैं, चेक इट आउट। द लॉ नीड सम अमेंडमेंट, तो यहाँ चेंजेस की जगह हमने यूज किया अमेंडमेंट्स। रिड्यूस करने के लिए हमने यूज किया मिटिगेट, कम करना क्राइम रेट। तो चेंजेस की जगह बदलाव की जगह अमेंडमेंट्स यूज कर सकते हैं और रिड्यूस की जगह मिटिगेट। सेकेंड, थर्ड पे, इस न्यू पॉलिसी की जो बेनिफिट्स हैं दे आर मोर देन द पोटेंशियल रिस्क। तो आर मोर देन बहुत सिंपल लगता है, तो उसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं इसके जो बेनिफिट्स हैं वो रिस्क से ज्यादा हैं। तो बेनिफिट्स जो हैं आउटवे द पोटेंशियल रिस्क, वो उससे ज्यादा है। तो नेक्स्ट टाइम आर मोर देन की जगह यू कैन से आउटवे। नेक्स्ट वर्ड, इकोनॉमिक डाउनटर्न ने अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ा दिया है, तो इंक्रीज के लिए क्या वर्ड, एक्सेसिवेटेड, और आप यूज कर सकते हैं एस्केलेटेड। एस्केलेटेड इज ऑल्सो अ नाइस वर्ड फॉर दिस। नेक्स्ट वर्ड, आर्टिकल वॉज बेस्ड ऑन गेस वर्क रेदर देन कॉन्क्रीट फैक्ट्स। गेस वर्क का यह मतलब है अनुमान पर बेस्ड था। तो नेक्स्ट, इसके लिए हम क्या वो कैप यूज कर सकते हैं, आर्टिकल वॉज बेस्ड ऑन स्पेकुलेशन रादर देन कॉन्क्रीट फैक्ट्स, मतलब पुख्ता फैक्ट्स की जगह वो स्पेकुलेशन पे ज्यादा बेस्ड था। तो गेस वर्क की जगह स्पेकुलेशन। कंपनी डाउनसाइज्ड इट्स वर्कफोर्स एज सेवरल पोजीशन बिकेम अनयूजफुल। डाउनसाइज मींस कम करना, तो इसके लिए रिड्यूस। तो जब भी आपको लिखना है कम कर दिया, किसी की साइज या नंबर कम कर दिया, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं डाउनसाइज्ड। नेक्स्ट वर्ड, गुंजन सक्सेना वॉज एडमेंट अबाउट परस्यूइंग अ ड्रीम करियर डिस्पाइट द चैलेंजेस। क्या आप गेस कर सकते हैं एडमेंट का क्या मतलब होता है? एडमेंट का मतलब होता है अपने सोच पर, ड्रीम पर, जो आपने सोचा है उस पर फर्म रहना, स्ट्रिक्ट रहना कि ये मुझे करके ही रहना है। तो फर्म, गुंजन सक्सेना के बारे में आप सबको पता है कि उन्होंने सोच लिया था कि वो अपने ड्रीम्स अचीव करेंगे चाहे कितने भी चैलेंजेस आ जाए। तो एडमेंट का मतलब होता है फर्म। वेराइटी, वेराइटी, इंडिया कल्चरल वेराइटी इज रिफ्लेक्टेड इन इट्स क्विजीन, फेस्टिवल्स एंड ट्रेडिशन। इंडिया की जो वेराइटी है, यू कैन हैव दैट, यू कैन सी दैट इन इट्स क्विजीन, फेस्टिवल्स एंड ट्रेडिशन। सो वेराइटी की जगह यू कैन यूज डाइवर्सिटी, बट यहाँ जब हम भिन्नता की बात करें, दैट इज डाइवर्सिटी। नेक्स्ट, गवर्नमेंट नीड्स टू प्रोवाइड गारंटी टू टैक्स पेयर्स दैट द मनी इज नॉट मिसयूटिलाइज। गवर्नमेंट को गारंटी देनी पड़ेगी कि भाई उनका पैसा मिसयूटिलाइज नहीं होता। तो गारंटी की जगह यू कैन यूज द वर्ड अश्योरेंस। गारंटी की जगह आप यूज कर सकते हैं अश्योरेंस। नेक्स्ट वर्ड, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस आपको पता है, इंटरफेरेंस की जगह हम सिनोनिम क्या यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं इंटरवेंशन। तो पेरेंट्स का जो इंटरफेरेंस होता है कभी कभी बच्चों की लाइफ को खराब कर सकता है। पेरेंट्स इंटरवेंशन मेनी अ टाइम सेव्स चिल्ड्रन फ्रॉम रूइन देयर। ओके, प्रेजेंट जनरेशन कंटेम्प्ट टुवर्ड्स एल्डर्स इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। जो प्रेजेंट जनरेशन है वो जो डिसरिस्पेक्ट, कंटेम्प्ट क्या होता है, डिसरिस्पेक्ट। तो प्रेजेंट जनरेशन जो अपने बड़ों की तरफ डिसरिस्पेक्ट दिखा रही है, वो एक चिंता का विषय है। द वायलेंट मूवीज आर एलिवेटिंग द प्रॉब्लम ऑफ अग्रेसिवनेस एंड वायलेंस अमंग द यंगस्टर्स। एलिवेट करना मतलब बढ़ाना, सो अगेन ये इंक्रीज का सिनोनिम है। रिमूव द प्रॉब्लम, अगर आपको अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हटाना है तो गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शंस बनाने पड़ेंगे। तो रिमूव के लिए आप यूज कर सकते हैं मिटिगेट। फॉर मेनी बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज अ डिफिकल्ट टास्क। तो डिफिकल्ट के लिए हम क्या सिनोनिम यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज इज अ डॉन्टिंग टास्क। ऐश इज एमिएबल, शी हैज मेनी क्लोज फ्रेंड्स। एमिएबल का मतलब होता है, अब आप गेस कर पाएंगे कि वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली है इसलिए उसके काफी क्लोज फ्रेंड्स हैं। ऐश इज फ्रेंडली। द मेन रीजन बिहाइंड इंक्रीज क्राइम रेट इज अनएम्प्लॉयमेंट। बढ़ते हुए क्राइम रेट का मेन रीजन है अनएम्प्लॉयमेंट। तो मेन रीजन बिहाइंड एग्रावेटिंग क्राइम रेट, कभी भी कोई चीज नेगेटिव वे में बढ़ती है तो हम उसके लिए यूज करते हैं एग्रावेटिंग। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर द वोकैबुलरी सेक्शन। इस तरह जब भी आप सेंटेंसेस के थ्रू और रिप्लेसमेंट के थ्रू वोकैब करते हैं, देन रियली इट वर्क्स वंडर्स। सो डू ट्राई दिस मेथड, इट विल रियली हेल्प यू। इसलिए मैंने कहा था कि वीडियो के बाद बात करेंगे, बिकॉज